हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से नया हेयर एक्सटेंशन यानी कि फ्रंट के हेयर एक्सटेंशन रिव्यू करने वाली हूँ। नया तो नहीं है, ये पुराना है और इसका लगाना बताना मैं वीडियो में पुराने वीडियो में है, आप उसको जाकर देख सकते हो। अगर आपको देखना है कि किस तरह से लगाना है, नीचे मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज़रूर देखें कि किस तरह से आपको लगाना है। लेकिन आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ कि ये कैसा है कैसा नहीं है, आप इसको ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, क्योंकि मैंने इसके रिव्यू नहीं दिया था। तो आज भी इस वीडियो में रिव्यू हुई आपको दिखाऊंगी कि कैसा है और लगाकर भी बताऊंगी कैसा है। तो वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों को इसका फ़ायदा हो। और कमेंट में मुझे पूछ सकते हो कोई भी सवाल, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। तो चलिए अब मैं वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हो आप, फ्रंट वाला है, फ्रंट में लगाने मतलब सामने इसको आप लगा सकते हो। और इसका हेयर आप देख सकते हो कितना सिल्की और कितना सॉफ्ट है। और इसमें दो टिप टैप क्लिप है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे एक जाली सा बना हुआ है, ये देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है ये। और यहाँ से आपको कोई सिलाई वगैरह नहीं दिखता है, बिल्कुल लगता है कि यहाँ पे हेयर है जॉइंट में, बहुत अच्छा है। और यहाँ से दोनों साइड में थोड़ा सा लंबे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो हेयर बिल्कुल ही सॉफ्ट और बिल्कुल ओरिजिनल हेयर ही लग रहे हैं, बिल्कुल नहीं लग रहे हैं कि ये हेयर एक्सटेंशन है और नकली हेयर है। और बहुत ही हल्का है, बहुत ही लाइट वेट है। और आप इसको कैसे इसको लगाने के बाद ये कैसा होगा मैं वो आपको दिखाने वाली हूँ। तो इसमें क्लिप भी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा इधर उधर फैलने का भी वो नहीं है, डर नहीं है, यहाँ पे खिंच जाएगा ये भी कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छा है। और सबसे मेन चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। आप इस अगर आपके फ्रंट में बहुत ज़्यादा हेयर कम है तो आप इस तरह से हेयर फ्रंट वाले हेयर एक्सटेंशन लगा सकते हो। और आप लगाने के बाद आपको कैसा लगा ये मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। तो ये आप देख सकते हो, इस तरह से आपको खोलना है, ये आप देखो, और इसको लगाना है ऐसे, ये आप देखो, इस तरह से आप थोड़ा सा नीचे भी ले सकते हो, ये आप देखो, और बिल्कुल लेकर ही इस तरह से लगा देना है और कुछ भी नहीं करना है, ये आप देख सकते हो। और अगर आप हेयर खोल भी सकते हो तो खोल भी सकते हो, और ये इस तरह से आप साइड भी कर सकते हो। इसको साइड करने के लिए आपको थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा इसको, तो मैं थोड़ा सा और नीचे कर लेती हूँ, ये आप देख, इसके नीचे आपको करना है और इसको लगा देना है, ये आप देखो, जैसे भी आप रख सकते हो, ये आप देखो कितना प्यारा लग रहा है। और आप हेयर को खोल भी सकते हो, मैं हेयर को खोल के भी आपको दिखाती हूँ कि हेयर को खोलने के बाद कैसा लगेगा, तो मैं खोल के भी आपको दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हो। खोलने के बाद तो आप नहीं लगेगा कि हमने हेयर एक्सटेंशन लगाया है, ये देख सकते हो सामने से भी कितने अच्छे से ये लग रहा है, बिल्कुल मेरे हेयर से मैच भी हो रहा है और बिल्कुल लग नहीं रहा है कि मैंने हेयर एक्सटेंशन फ्रंट में लगाए हैं। तो अगर आपके भी हेयर बहुत ज़्यादा कम है ना, तो आप इस तरह से लाकर लगा सकते हो, ये आप देखो कितना आसान है, लगाना भी आसान है। और अगर आप खींचोगे भी ना तो भी ये नीचे गिरेगा नहीं, कोई भी खींचे। और ये देख सकते हो, तो आप इस तरह से ला सकते हो और ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाइट वेट है। और इसका प्राइस मैंने बहुत पहले लिया था, मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत ही कम है। अगर आप चाहते हो इसका लिंक देना तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं लिंक ज़रूर दे दूंगी इसका। और इसके वीडियो तो मैंने बनाई है, आपको कहाँ से लेना है सर्च करना है। और आप इस तरह से सामने भी रख सकते हो इसको, सामने भी इस तरह से हेयर को कर सकते हो, आप किधर भी सेक्शन बना सकते हो इसको लगाकर। मुझे साइड से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने, अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा और नीचे भी कर सकते हो। और आप देख सकते हो हेयर
सामने से बहुत ही अच्छा हेयर लग रहा है। ये लग भी नहीं रहा है कि नकली हेयर हमने लगाया है। अगर आपके फ्रंट में बहुत ही ज़्यादा हेयर कम है तो आप इस तरह से हेयर एक्सटेंशन लगा सकते हो और पार्टी शादी कहीं पर भी जा सकते हो। ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, अगर आप इसको खींचोगे ना फिर भी ये नहीं गिरेगा। तो इसका रिव्यू बहुत ही अच्छा है, आप इसको ले सकते हो और लगा सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।